अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बाय आसमा। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम चाहने वाले सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत को अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए एक नहायत ही मजेदार पराठे की रेसिपी। कीमे वाले पराठे बना रहे हैं, नाश्ते में आप बना के इसे इंजॉय कर सकते हैं। कीमा पराठे की रेसिपी तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। कीमा पराठा ऐसी रेसिपी है हर घर में डिफरेंट तरीके से बनाया और खाया जाता है, सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया था, तकरीबन 3 कप मैंने आटा लिया था, व्हाइट आटा लिया था। आप इसको जो गंदम का आटा होता है चक्की वाला उसमें भी बना सकते हैं। उसमें मैंने 1 टीस्पून डाला था नमक, क्योंकि पराठे आटे में ही बनाए जाते, मैदे में नहीं बनाए जाते। तो आप इसके लिए फाइन आटा ले रहे जो व्हाइट आटा होता है, या चक्की का रेगुलर जो हम आटा घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अगर दोनों, अगर आप आधा व्हाइट डाले और आधा दूसरा भी मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने व्हाइट आटा लिया था, इसमें नमक डाला था 1 टीस्पून, इसे नॉर्मल जो टैप वाटर होता है आम टैंकी का पानी उसके साथ मैंने इसे गूंद लिया था। अच्छा सा हम आटा गूंद लेंगे। आटा गूंद के थोड़ी देर हम पहले इसको रेस्ट देंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। थोड़ी देर पहले आटा गूंद के हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो बड़े अच्छे से हमारे पराठे बन के रेडी हो जाएंगे। आटा हमारा गूंद चुका था, उसे मैंने एक बाउल में डाल दिया था और फ्रिज में रख दिया था। दूसरी साइड पर एक पैन लेंगे, मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। इससे ज्यादा आपने ऑयल का यूज नहीं करना। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, बिल्कुल फ्रेश मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कोशिश कीजिएगा ही डालिएगा। कीमा लिया था, मटन का कीमा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कीमा बिल्कुल ड्राई था, इसमें कोई फैट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो डाल देंगे। और कीमे को लहसुन अदरक के साथ इतना फ्राई करेंगे कि कीमे का जो कलर है वो चेंज हो जाए, यानी कि कीमे का जो कलर होता है व्हाइट, रेड से व्हाइट हो जाए। हम कीमे की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। बास लोग जब कीमे के पराठे बनाते तो कच्चा कीमा भी इस्तेमाल करते, वो भी बड़े अच्छे पराठे बन के रेडी होते, लेकिन हम इसे जरा कुक कर लेंगे। थोड़ी देर हम इसको कुक कर लेंगे कि जो स्मेल वगैरह जो कोई इशू होता है ना तो वो भी ना हो। तो कीमे का पानी, ये देखे मैंने कोई इसमें कीमे में पानी नहीं था ऐड किया। कीमे ने अपना पानी ही छोड़ा है, तो इसी पानी में हम इसको कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट तक। तो दूसरी साइड पे मैंने जो आटा रखा था उसे रेस्ट हम मैंने दे दिया था 1/2 घंटे का। तो जितनी देर हमारा कीमा बन के रेडी हो रहा है तो हम इसके पेड़े बना लेंगे। एक छोटा पेड़ा लेंगे, उसमें देसी घी लगाएंगे। आप ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन पराठे देसी घी में या आम रेगुलर जो घी इस्तेमाल होता है उसमें ज्यादा मजेदार बन के रेडी होते हैं। तो हम इस तरह पेड़े बना के इसके रख लेंगे। डिफरेंट स्टाइल से हम पराठा बनाएंगे, छोटे छोटे इस तरह इसके पेड़े बना लेंगे। इससे हमारे पराठे ज्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। तो थोड़ी देर हम इस तरह इसके पेड़े बना के इसे फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी साइड पे हमारे कीमे में जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था, कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें हमने ऐड नहीं करना, अपने पानी में ही कीमा कुक हो जाएगा। फिर इसमें मैंने डाले हैं 3 बड़े प्याज, मैंने उसे चॉप कर लिया था। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि इतने ज्यादा प्याज डाला तो कीमा कहीं मीठा मीठा ना बने, नहीं बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इसका पानी निचोड़ लिया था। अच्छी तरह हम इसे पानी को निचोड़ लेंगे और प्याज, क्योंकि कीमा वाले जो पराठे होते हैं उसमें प्याज थोड़ा सा ज्यादा डलता है, तो आप इस तरह चॉप करके तो उसका पानी निकाल लीजिएगा। 5-6 सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, 5 से 6 अदद, क्योंकि ये ज्यादा तीखी मिर्चें नहीं होती, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। थोड़ी देर से फ्राई करेंगे। आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो जिसमें हमने शामिल किया है। पिंक सॉल्ट मैंने लिया है 2 टीस्पून, हम इसमें वो डाल देंगे। आप अपने जायके के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम लाल मिर्च डाल देंगे। जीरा पाउडर डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। सूखा धनिया पाउडर डाला है 1 टेबल स्पून भर के, ये टीस्पून है, मैंने इसलिए 2 डाले हैं और 1 टेबल स्पून हो जाएंगे।
हाफ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं, कुटी लाल मिर्च डाली है, बिल्कुल आम घर में जो स्पाइसेस होते हैं हमने वही डाले हैं। देखिए बिल्कुल कीमे का पानी ड्राई है, प्याज का भी कोई पानी प्याज ने नहीं छोड़ा, पानी बिल्कुल आपने ड्राई करना है। बिल्कुल अगर कीमे में कोई पानी रह भी जाए तो हमने इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है, अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। अगर कीमे में पानी रह जाएगा तो जब हम पराठे बनाएंगे तो पराठे टूटना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हम बिल्कुल इसे ड्राई करेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन आधा कप पुदीना, फ्रेश पुदीना लेके उसे मैंने धो के काट के वो डाल दिया था, क्योंकि पुदीने से इसकी खुशबू और जायका बहुत मजेदार से ये पराठे बनके रेडी होते हैं। और कीमे का मेजा हमारा रेडी है, झटपट से रेडी है, तो हम इसे पहले ठंडा कर लेंगे, जब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो फिर हम इसके पराठे बनाएंगे। मैंने पेड़े निकाल लिए थे, दूसरी साइड पे जो पेड़ों को मैंने बनाकर रेस्ट दिया था तकरीबन 10 मिनट का, उतनी देर में हमारा कीमा रेडी हो गया था, पेड़ों को भी रेस्ट मिल चुका था। पहले एक पेड़ा लेंगे, उसको थोड़ा सा बेलेंगे, बड़ा कर लेंगे, इस तरह पराठे बड़े इजी से बिल्कुल बारीक से पराठे बन के रेडी होती है। अब एक हिस्से में हम डालेंगे कीमे का अमेजा, कीमा आपने बिल्कुल ठंडा करके इस्तेमाल करना है। छोटे छोटे स्टेप होते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं वो जरा ध्यान से रेसिपी को देखा करें तो आपकी भी रेसिपी बन परफेक्ट बन के रेसिपी बन के रेडी होगी। और बहुत मजेदार ये पराठे बन के रेडी हुए थे, आप भी जरूर बनाइएगा और तमाम स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। एक तो कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कीमे में अगर जरा सा भी पानी होगा तो पराठे टूटना शुरू हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल इतना हमने इसको हाथों की मदद से भी आप इसको बड़ा कर सकते, अब इसको हम ड्राई जो आटा होता है वो लगाएंगे, दोनों तरफ अच्छी तरह बारीक सा पराठा बेल लेंगे। हमने इतना बारीक बेलना देखे दोनों साइड से, पराठा बहुत बड़ा बारीक बिल चुका है लेकिन बिल्कुल भी नहीं टूटा। और देखे इतना मैंने इसको बारीक बेला है कि दोनों साइड से कीमा नजर आ रहा है लेकिन पराठा टूटा नहीं है। या आप ये ना समझेंगे ये पराठा टूट गया, बिल्कुल भी पराठा कहीं से भी नहीं टूटा था, हमने पराठे इतने बारीक बेले थे कि क्योंकि हमने आटे को भी रेस्ट दिया था, जब मैंने पेड़े बनाए थे उसको भी रेस्ट दिया था। तो आप रेसिपी को जरूर वॉच कीजिएगा और जो कीमा हमने बनाया था वो भी हमने बिल्कुल ड्राई बनाया था और ठंडा करके ही मैंने इसमें इसकी फिलिंग की थी। अब इसे अच्छे से देसी घी हम लगाएंगे दोनों तरफ और इसे सेक लेंगे। आप अपनी मर्जी का कलर जिस तरह आपको पसंद है आप दे सकते हैं। देखिए माशाल्लाह कितने मजेदार से, अभी देखने में जो जो देखेगा उसका तो जरूर पानी आएगा मुंह में कि हम इसे खाएं और इंजॉय करें। तो आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो कीजिएगा, घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। लीजिए मजेदार से हमारे कीमे वाले पराठे रेडी हैं, जो बन के बहुत ही मजेदार बन के रेडी हुए, तो सबको बहुत ज्यादा पसंद आए थे। आप भी इस रेसिपी को खुद भी घर में ट्राई कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, खुद भी खुश रहा करें, दूसरों में भी खुशियां बांटा करें। अल्लाह ताला मेरे तमाम सुनने वालों को अपनी जुबान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप भी अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को जरूर याद रखिएगा। अब दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस आ रही हैं, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं और बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं।